वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सभी? आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाली हूँ एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी यूनिवर्सिटी के बारे में। स्टूडेंट्स एप्लीकेशन फॉर्म रिसेंटली रिलीज़ किए गए हैं एंड मेन थिंग स्टूडेंट यहाँ पर होने वाले दैट इज़ डायरेक्ट एडमिशन। यहाँ पर कोई भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन आप लोगों को फेस करने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी कंपटीशन फेस करने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट आप लोगों की मेरिट लिस्ट ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी की जाएगी। कंप्लीट मैं आप लोगों को बताऊंगी। वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। वीडियो को पहले ही लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ऐसे ही लगातार अपडेट्स और इंफॉर्मेशन जानने के लिए पाने के लिए। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि यहां पर जो रहेगा स्टूडेंट्स ऑफिशियल वेबसाइट पर एप्लीकेशन फॉर्म जो है निकल चुके हैं एंड एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो यहां पर स्टार्ट हो गए थे अपने ऑलमोस्ट 3 नवंबर को एंड यहां पर लास्ट डेट जो रहने वाली शेड्यूल आ चुका है। स्टूडेंट्स आप लोगों को मैं बता दूं कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, आप लोग अप्लाई कर सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर एंड यहाँ पर जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो चलने वाले 6 दिसंबर तक, ठीक है, 6 दिसंबर तक आप लोग अप्लाई कर सकते हैं एंड फिर डायरेक्ट मेरिट लिस्ट यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट पर 10 दिसंबर 2021 को जारी कर दी जाएगी एंड यहाँ पर जो फर्स्ट काउंसलिंग जो रहेगी वो 15 दिसंबर 2021 को होगी, सेकेंड काउंसलिंग जो रहेगी वो 25 दिसंबर 2021 को रहेगी एंड लास्ट जो काउंसलिंग रहेगी दैट इज थर्ड काउंसलिंग, ठीक है, एंड यहाँ पर वो होने वाले 30 दिसंबर 2021 को। तो ये अपना कंप्लीट शेड्यूल जो है स्टूडेंट्स ये होने वाला है, मैंने आप सभी को बता दिया। तो चलो डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं क्या एलिजिबिलिटी है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है सब कुछ। तो हम लोग बात करें अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश के बारे में। अगर आप लोगों को उत्तर प्रदेश के किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेना है तो अटल बिहारी वाजपेयी से ही होगा, ठीक है। अटल बिहारी वाजपेयी ने जो है एडमिशन फिर से स्टार्ट कर दिए हैं एंड यहाँ पर इस बार जो एडमिशन ले रहे हैं वो ले रहे हैं 12th के मार्क्स के बेसिस पर, ठीक है। डायरेक्ट एडमिशन यहाँ पर जो है आप लोगों का होने वाला है, तो आप लोग देख सकते हैं कंबाइंड पैरामेडिकल एंट्रेंस 2021 होता था बट अभी जो रहेगा वो यहाँ पर डायरेक्ट एडमिशन होने वाला है। पहले एक बार एंट्रेंस एग्जाम जो है यूनिवर्सिटी ले चुकी है। आप लोगों को बता दें अगर आप लोगों को अप्लाई करना है तो फीस यहाँ पर रहने वाली 1000 रुपये फॉर द जनरल कैटेगरी, OBC कैटेगरी, NIS और ST के लिए 800 रुपये यहाँ पर जो फीस है वो यहाँ पर रहने वाली है। कंप्लीट शेड्यूल मैंने आप लोगों को बता दिया। पहले गाइडलाइन इन्होंने बता रखी है एप्लीकेशन फॉर्म सिर्फ ऑनलाइन सबमिट होगा, कोई भी पोस्ट से नहीं भेज सकता है। ऑफिशियल वेबसाइट इज स्टूडेंट www.abvmuup.education.in, यहीं पर आप लोगों को जाना है एंड यहां पर जाने के बाद आप लोग देख सकते हैं इन्होंने बोल रखा है जितनी भी अपनी डिटेल्स वो अच्छे से फिल करेंगे, आप लोगों ने 12th यहाँ से कहाँ से किए हैं, जितने भी पैरामेडिकल कोर्सेज हैं आप उनके लिए अप्लाई कर सकते हैं जैसे कि BSc ऑपरेशन थिएटर, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी एंड BSc मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी एंड द बैचलर ऑफ ऑडिटरी एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी, ठीक है, सभी के लिए आप लोग यहां पर अप्लाई कर सकते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। कंप्लीट शेड्यूल जो है यहां पर आप लोग देख सकते हैं कोर्स ड्यूरेशन एंड यहां पर क्या इंटर्नशिप वगैरह। सबसे पहले आप लोगों को करना होगा जैसे मैंने आप लोगों को बताया ऑफिशियल वेबसाइट पर आए, देन यहां पर आप लोग जो है लॉग इन कर सकते हैं, ठीक है, एंड देन यहां पर अगर आप लोगों ने पहले वेरीफाई कर दिया है तो अगर आप लोगों की वेरिफिकेशन रजिस्ट्रेशन बाकी है तो सबसे पहले आप लोग रजिस्ट्रेशन करें, देन आप लोग पेमेंट करें, ठीक है। पेमेंट यहाँ पर डिटेल्स अच्छे से फिल आप लोगों को करनी है ताकि आप लोगों के पैसे बिल्कुल वेस्ट ना हो। अपनी फोटो सिग्नेचर सैंपल सीट आप लोग अपलोड कर सकते हैं एंड अप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दें, रिव्यू कर दें, फाइनली सबमिट कर दें। तो ये है स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप लोगों को बता दूँ क्या रूल रेगुलेशन है, कौन कौन एडमिशन ले सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने बोला है कि स्ट्रिक्टली जो है एडमिशन रहने वाला मेरिट लिस्ट देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑन द मेरिट एंड प्रेफरेंस ऑफ कॉलेज गिवन बाय कैंडिडेट, मतलब कि यहाँ पर डायरेक्ट एडमिशन है स्टूडेंट्स, 17 साल की आप लोगों की उम्र होनी चाहिए तभी आप लोग जो है यहाँ पर कर सकते हैं। आप लोगों ने 10th पास किया हो, 12th पास पर आप लोगों की जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए यूपी बोर्ड, CBSE बोर्ड, ICSE, IC, ठीक है, किसी भी बोर्ड से आप लोग चलेंगे पास्ट होने चाहिए, बस आप लोग जो है 45% तक आप लोगों के मार्क्स होने चाहिए यहाँ पर आप 12th में, ठीक है। जनरल से एंड अदर कैटेगरी से थोड़ा सा आप लोगों को जो है यहाँ पर रिजर्वेशन मिल जाएगा। तो ये है कंप्लीट डिटेल, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। अगर आप लोगों को इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं, ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलेंगे एक नेक्स्ट न्यू अपडेट के साथ, नेक्स्ट न्यू वीडियो के साथ। थैंक यू।